दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए कई व्रत हैं, लेकिन उसमें पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। पौष माह में पड़ने के कारण इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने पर संतानहीन दंपतियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि पौष पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है और व्रत के क्या नियम है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत बहुत महत्व रखता है। जिन दंपतियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस उपवास को पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान से रखने और पूजन के प्रभाव से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का निवारण हो जाता है। इस व्रत से योग्य, सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। इस संसार में इस एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ नववर्ष 2023 के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी रविवार को शाम 7:11 पर हो रहा है। इस तिथि की समाप्ति अगले दिन 2 जनवरी सोमवार को रात 8:23 पर होगी। ऐसे में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 जनवरी 2023 को रखा जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन 3 जनवरी मंगलवार को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। उस दिन व्रत पारण का समय सुबह 7:14 से लेकर 9:19 तक है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को व्रत से पूर्व यानी दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात भगवान श्रीहरि का ध्यान करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा का विशेष महत्व है। संतान की इच्छा के लिए पति पत्नी को सुबह के वक्त संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की उपासना करनी चाहिए। बाल गोपाल की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उनको चंदन से तिलक करके नए वस्त्र धारण कराएं। इस दिन गंगा जल, तुलसी दल, तिल, पीले पुष्प और पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फल, नारियल, बेर, आंवला, लौंग, पान और सुपारी अर्पित करें और धूप दीप से आरती और अर्चना करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने बैठकर पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र का जाप और संतान गोपाल मंत्र का जाप भी करें। पूरे दिन निराहार रहकर शाम के समय कथा सुनने और मंत्र का जाप करने के बाद फलाहार किया जाता है। इस दिन दीप दान करना अच्छा माना जाता है। व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को संयमित और ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना चाहिए। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को दशमी के दिन लहसुन प्याज से रहित शुद्ध भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए और दीप दान करना चाहिए। व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को दशमी के दिन से ही मन और वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपना काम करना चाहिए। जो श्रद्धालु यह व्रत रखता है उसे एकादशी के दिन पूरे दिन निराहार रहना होता है। शाम को चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद स्वयं भोजन करें। द्वादशी के दिन भी व्रती को सात्विक भोजन करना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक जो श्रद्धालु पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उनका व्रत ही सफल होता है। इस दिन चावल और उससे बने पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप सभी प्यारे दोस्तों को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।